गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो है वुडवर्ड एवं फीजर का नियम, वुडवर्ड फीजर रूल। वुडवर्ड फीजर रूल होता क्या है? वुडवर्ड ने खुली श्रृंखला और 6 सदस्य संयुक्त डाइन में अवशोषण की गणना करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया। बाद में इस नियम को फीजर ने रूपांतरित किया। इस नियम के आधार पर हम किसी भी संयुग्मित डाइन के लिए अवशोषण की तरंग दैर्ध्य को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन से मान आता है वो वास्तविक मान या प्रायोगिक मान से प्लस माइनस 5 नैनोमीटर की रेंज में आता है। ये वुडवर्ड हैं और ये फीजर हैं। वुडवर्ड ने 1941 से 45 के बीच में और फीजर ने 1959 के बीच में। इससे हमें ये फ़ायदा मिला इस रूल से कि हम किसी संयुग्मित डाइन, कोई संयुग्मित डाइन किस तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण प्रदर्शित करेगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें क्रोमोसोम की पोजीशन क्या है उस कंपाउंड में इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब संयुग्मित डाइन क्या होते हैं? कंजुगेटेड डाइन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक डबल बंड होते हैं, जो सिंगल बंद के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उन्हें संयुग्मित डाइन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे होमो एन्युलर, यानी एक ही रिंग के अंदर डाइन के दोनों डबल बंद हैं, जैसे कि इस डायग्राम से आपको ओ दिखाई दे रहा है ना। दूसरा है हेटेरो एन्युलर, यानी जो डबल बंद हैं वो अलग अलग रिंग के अंदर हैं, तो इन्हें हम हेटेरो डाइन कहेंगे। यानी कि पहले वाली होमो यानी कि समचक्रीय डाइन और दूसरी वाली विषमचक्रीय डाइन, क्योंकि अलग अलग चक्र यानी कि साइकिल में हैं। अब देखिए इस रिंग के अंदर एक और डबल बंद है, तो इसको हम कहेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बंद, क्योंकि रिंग के अंदर है। इन दो रिंग में अलग अलग है बंद, लेकिन हम ये देखते हैं, जैसे अगर हम इस रिंग की बात करें है ना, तो इस रिंग के लिए ये वाला जो डबल बंद है ये रिंग के बाहर है, ये यूं है ये है ना, तो एक्सोसाइक्लिक हो गया। ये क्या हो गया? एक्सोसाइक्लिक। दोबारा बताता हूँ, ये वाली जो रिंग है इसमें अगर हम इस वाले डबल बंद की बात करें जो यहाँ है ये है ना, ये वाला रिंग के इस रिंग के बाहर है ना, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बंद कहलाएगा। अब हम इसकी वैल्यू की गणना कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ मान फिक्स हैं जिन्हें हमें याद करना होगा। जैसे अगर होमो एल्युलर डाइन यानी एक ही रिंग के अंदर दो डबल बंद हैं, तो उसके लिए मान है 253। अगर हेटेरो एन्युलर डाइन है तो उसके लिए मान है 214 है। अगर 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए मान है 217, आप इसको अलग से याद कर सकते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए क्या मान है? 217। अब जैसे कोई रिंग रेजिड्यू, कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट या रिंग और रेजिड्यू है, हम इसको बताएंगे आगे क्या होता है, तो इसके लिए 5 नैनोमीटर और जोड़ना है। कोई डबल बंद एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि पुराने वाले डबल बंद को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम 30 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं। और कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर वाला डबल बॉन्ड है जैसा कि हमने अभी देखा, तो उसके लिए 5 नैनोमीटर और जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से हम देखेंगे अभी, जैसे कुछ हेटेरो एटम है तो उनके लिए हम क्या करें, जैसे ओ आर समूह जुड़ा हुआ है तो 6
नैनोमीटर और जोड़ देंगे, हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, तो इसके लिए 5 नैनोमीटर और जोड़ देंगे, है ना। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, आप ये वाला एग्जांपल देखिए, है ना, ये वाला एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। इस एग्जांपल में आप देखिए कि ये जो डबल बंद हैं ये अलग अलग रिंग में है, एक रिंग में नहीं है, है ना, दोनों अलग अलग, एक में होते तो वैल्यू होती 300 200, यहाँ हमने आपको बताया अगर एक ही रिंग में है तो होगी 253, अलग अलग में होगी तो 214, ठीक है। तो ये अलग अलग रिंग में हेड और डबल बंद, तो इसकी वैल्यू जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 214, ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू क्या है, ठीक है, तो रिंग रेजिड्यू मैं आपको समझाता हूँ, मैं डायग्राम को करता हूँ बड़ा, ठीक है। ये मैंने लिया, अब देखिए इन डबल बंद को अगर इस पूरे कंपाउंड से मैं अलग करूँ तो मुझे कहाँ कहाँ से काटना पड़ेगा, एक यहाँ से काटूँगा, एक यहाँ से काटूँगा, एक यहाँ से काटूँगा, जितनी जगह मैंने काटा है ना वो कहलाएगा रिंग रेजिड्यू। ये एक रिंग रेजिड्यू, ये दूसरा रिंग रेजिड्यू और ये तीसरा रिंग, इन तीन जगह से काट के 1, 1, 2 और 3, इन तीन जगह से काट के मैं इस डाइन को इससे अलग कर सकता हूँ। तो ये 1, 2, 3 रिंग रेजिड्यू हो गए। मैं वापस से बनाता हूँ, 1, 2 और 3, तीन जगह से काट के मैं डाइन को इस कंपाउंड से अलग कर सकता हूँ, तो इसमें 3 रिंग रेजिड्यू हो गए। और एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 × 3 = 15, मेरा रिंग रेजिड्यू है ना, एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू है 5, तो 5 × 3 = 15, ठीक है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बंद देखिए, मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया, ये एक रिंग है जिसमें ये एक डबल बंद अंदर है, ये एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक वो होगा जो डबल बंद के किसी कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बंद है। तो इस एक्सोसाइक्लिक डबल बंद के लिए हमें +5 इसमें और जोड़ना होगा, तो क्या हो गया, देखिए 224 तो होगी बेस वैल्यू, क्योंकि दोनों पाई बंद अलग अलग रिंग में हैं, एक रिंग में होते तो बेस वैल्यू क्या जाती 253, है ना, ठीक है। और ये 15 कौन से हैं, 3 रिंग रेजिड्यू, 1, 2, 3 जगह जगह, तो 5 × 3 = 15 और 1, 5 एक्सोसाइक्लिक डबल बंद का, इनको जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 234, ओके। हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी, जैसे हम ये वाला एग्जांपल है देखते हैं, ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए मैंने बताया बेस वैल्यू क्या होगी, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू होगी 217, ठीक है। अब 217 तो होगी, अब इस 1,3-ब्यूटाडाइन को कंपाउंड में से कहाँ से अलग किया जाए, तो देखिए अलग, या एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक तो इस मेथिल को मैं काट दूँ, अलग कर दूँ, एक इस मेथिल को काट दूँ, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन अलग हो जाएगा, तो दो जगह से मैंने काटा है, तो 5 और 5 = 10, इसमें और जोड़ देंगे तो 217 में 10 जोड़े 227 नैनोमीटर, मैंने आपको बताया ही है। अभी आगे और आएगा डबल बंद एक्सटेंड कंजुगेट, मान लो देखिए कि जैसे डबल बंद एक्सटेंड कैसे होगा, एक ये डाई इन तो है ही, ये डबल बंद, सिंगल बंद, डबल, ये डाई इन हो गया, इसके साथ सिंगल बंद से अगर एक और बंद जो जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो बंद है ये इन दोनों बंदों के अलावा है, तो ये तो डाई इन हो गया, एक पाई बंद और आ जाए तो वो डबल बंद को रिजोनेंस में एक्सटेंड कर रहा है ना, है ना, इसीलिए उसके लिए 30 नैनोमीटर हम और जोड़ देते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 है ही, होमोडाइन में 39 जोड़ते हैं, तो मैंने आपको 39 जोड़ के पहले ही बता दिया कि सीधा 253 हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप किस पोजीशन पे है उसके लिए हम देखते हैं, ये कीटोनिक ग्रुप के लिए मान दे गए, अगर डाइन नहीं हो और कीटोनिक हो तो अल्फा पोजीशन पे अगर कोई होगा तो 10 नैनोमीटर और जोड़ देंगे, बीटा पोजीशन पे 12, गामा पे 18 और डेल्टा पे 18, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये कीटोनिक है ग्रुप, है ना, अभी कीटोनिक ग्रुप में देखिए ये जो डबल बंद है अलग अलग रिंग में है, तो 214 हमारी हो जाएगी बेस वैल्यू, यह है 214, ठीक है। अब देखिए एक ये दो बंद आपस में कंजुगेशन में है और एक बंद इसके साथ और कंजुगेशन में है, तो डबल, तो कंजुगेशन ऑफ डबल बंद का 30 नैनोमीटर और जोड़ देंगे, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बंद का 5 नैनोमीटर और जोड़ देंगे, एक्सोसाइक्लिक
कैसे है आपको दोबारा बता देता हूँ। ये रिंग, इसमें ये वाला बंद रिंग के बाहर है, तो ये वाला जो डबल बंद है ये एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा। कौन सा वाला बेटा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये वाला ठीक है। अब ये 12 और 18 कहाँ से आए, आप ये देखिए डायग्राम में, मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बोनिल ग्रुप ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन गामा कार्बन और डेल्टा कार्बन। अब हमें इसको रिंग रेजिड्यू कहाँ से काटना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से, दो जगह काट रहे हैं बीटा और डेल्टा से। तो बीटा डेल्टा के लिए वैल्यू क्या है, आप देखिए बीटा के लिए 12 और डेल्टा के ये 18, तो एक हमारा बीटा पे है एक हमारा डेल्टा पे है। देखिए मैं दोबारा से आपको बताता हूँ बीटा और डेल्टा पोजीशन कैसे आई है इसमें। ये जो है ये सी डबल वन ओ है, ये इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, ये बीटा, ये गामा और ये वाला डेल्टा। तो एक तो बीटा के यहाँ से हमने काटा, डेल्टा के यहाँ से काटा, बीटा के लिए क्या वैल्यू लिखी हमने 12 और डेल्टा के लिए क्या वैल्यू लिखी हमने 18 ठीक है। यहाँ से काटा और यहाँ से, ये वाली बीटा है जिसके लिए वैल्यू आएगी 12 और ये वाली डेल्टा जिसके लिए वैल्यू आएगी 18 ओके। तो ये 12 और 18 यहाँ आ गए, 12 और 18, तो टोटल ये हम जोड़ लेंगे। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ये है कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप में इसका मान तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मान के अलावा हम देखें ये क्या, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा के यहाँ दो कट लग रहे हैं ना, तो 12 12 2 24 ये इसमें जुड़ जाएंगे 215 में ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है, अब इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं आप देखिए, अल्फा पोजीशन भी है और बीटा पोजीशन भी। अब कैसे है अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, आप ये देखिए, ये तो हो गया कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये अल्फा पोजीशन है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट बाजू वाला अल्फा, इधर चलेंगे तो ये अल्फा ये बीटा, उधर से चलेंगे तो ये अल्फा ये बीटा, एक तो अल्फा पोजीशन पे कट है एक बीटा पोजीशन पे कट है, अल्फा पोजीशन के 10 और बीटा पोजीशन के 12। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जो और रिमेंबर कर सकते हैं, वैसे मैं रिविजन के लिए आपको बताऊँ, एक ही साइकिल में होगा 253, अलग अलग साइकिल में होगा 214, 1,3-ब्यूटाडाइन 217 ठीक है। कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट है या रिंग रेजिड्यू है जहाँ काटना पड़ रहा है तो 5, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यानी बाह्य चक्रीय द्विबंध तो 5, कोई द्विबंद की वृद्धि है यानी डबल बंद एक्सटेंशन है तो 30 है ना, और ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट का 5 नैनोमीटर होगा, सल्फर होगा तो 30 नैनोमीटर इसमें और ऐड कर दिया जाएगा ठीक है। ये इसके मेनली पॉइंट ऑफ और रिमेंबर्स हैं, एग्जांपल इसमें बहुत सारे हैं, आप एग्जांपल को और कीजिए, और कोई किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, आपकी जो क्यूरीज आएंगी उनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ये पीडीएफ और असाइनमेंट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूं, और आप इसको स्टडी कीजिए, आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप अपने दूसरे दोस्तों को भी ये शेयर करके उनके साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, थैंक यू।